विराट कोहली आख्यान। एक था चीकू, वह रोज शाम को जब भी खेल के मैदान में दिखाई देता तो बैट बॉल के साथ ही। एक बार मैदान में उसका कोई भी दोस्त नहीं आया जिसके साथ वह खेलता। वह घर पर उदास बैठा था कि तभी उसके पिताजी दफ्तर से लौटे। उसने पिताजी से कहा, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलिए ना, आज मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की बात को वो कैसे टाल सकते थे। उन्होंने बॉल फेंकी और नन्हे चीकू ने जोर से बल्ला घुमाया। पिताजी हैरानी से देख रहे थे कि उनके छोटे बेटे में क्रिकेट के प्रति कितना लगाव है। उसकी रुचि को देखकर पिताजी ने चीकू को क्रिकेट अकादमी में भेजना शुरू किया। बस उसके बाद तो देखते ही देखते चीकू क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीकू है कौन जो क्रिकेटर है और हम उसे जानते तक नहीं, जबकि क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के तो लगभग सब बच्चे दीवाने हैं। ये चीकू नाम का बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली हैं। जी हाँ, आपके मनपसंद खिलाड़ी विराट कोहली को सब प्यार से चीकू बुलाते हैं। एक बार बालक विराट को लगा कि उसके बाल टूटने लगे हैं। इस चिंता के कारण उसने अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए। छोटे बालों में बालक विराट के बड़े बड़े कान खरगोश की तरह अलग ही दिख रहे थे, इसीलिए उसके दोस्तों ने एक कॉमिक्स के चीकू खरगोश के नाम पर उसका नाम भी चीकू रख दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विराट कोहली के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी बनेगा और उनके नाम के साथ साथ भारत देश का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन हमारे मन में किसी कार्य के प्रति लगन, उत्साह और जोश हो तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विराट कोहली का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ। उनके पिता प्रेम कोहली एक वकील थे। विराट ने बचपन में गली मोहल्ले के क्रिकेट से शुरुआत की। बाद में पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी में चयन हो जाने के बाद उन्होंने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों जैसे NCR की अकादमियों में खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी शुरुआत सन 2002 में की थी। उनको पहली बार दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल किया गया था। अंडर 17 की दिल्ली क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में 450 से ज्यादा रन बनाए। एक मैच में तो वे 251 रन बनाकर नाबाद थे। जुलाई 2006 में विराट कोहली को अंडर 19 में खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड में उन्होंने 3 एकदिवसीय मैचों में 105 की औसत से रन बनाए। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इसी साल उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी साल विराट तब सुर्खियों में आए जब वे कर्नाटक के खिलाफ खेल रहे थे। इस मैच के दौरान उनके पिताजी का दिल्ली में निधन हो गया, लेकिन वे मैच पूरा करने के बाद ही अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति कितनी दुख भरी होगी। उस स्थिति को बयान करना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने इस मैच को जारी रखा और 90 रन बनाए। विराट के अनुसार, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, वो समय मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल समय था। मेरे पिताजी ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। उनका सपना था कि मैं एक महान खिलाड़ी बनूं, जिसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। अप्रैल 2007 में विराट इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। फरवरी मार्च 2008 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया और वह मलेशिया में होने वाली इस सीरीज को जीतकर वापस लौटे। इस सीरीज में उन्होंने साबित कर दिया कि वे न केवल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्कि अच्छे कप्तान भी हैं। वर्ष 2008 में ही विराट कोहली को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला।
जब आइडिया कप में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग घायल होने के कारण मैच से बाहर थे, तब विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाकर भारत को सीरीज जीतने में अहम योगदान दिया। इस तरह अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कोहली ने लगभग हर सीरीज में अच्छे औसत से रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। वर्ष 2011 में कोहली ने अपना पहला विश्व कप भी खेला। वे विश्व कप के पहले मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में भी खूब धाक जमाई। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े हैं। कोहली को क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2012 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर और वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विराट कोहली क्रिकेट के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समय निकाल लेते हैं। मार्च 2013 में उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य है अनाथ व गरीब बच्चों की मदद करना। सीख, लगन, उत्साह, आत्मविश्वास तथा आत्मसंयम से सफलता प्राप्त होती है।